start lecture number 7. आज हम lecture number 7 शुरू कर रहे हैं. Lecture number 7 में हम क्या सीखेंगे? किस तरह से लोगों के professions को बताया जाता है? किस तरह से लोग अपना profession बता सकते हैं या किस तरह से अपना profession दूसरों का profession वो पूछते हैं. Profession मतलब काम धंधा कि वो doctor है, ये engineer है, मैं professor हूँ, मैं teacher हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या मैं एयर हॉस्टेस हूँ, या मैं पायलट हूँ, वो पायलट है. ये चीजों को सीखेंगे, इनके सेंटेंसेस बनाना हम लोग सीखेंगे. सेकेंड चीज और एक चीज है कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें रहती है, उनके नाम कैसे बताएंगे हम लोग? जैसे यहाँ पे चेयर है, टेबल है, मोबाइल है, तो कैसा बोलेंगे? ये चेयर है, ये टेबल है, वो ट्यूब है, वो एसी है, वो कैमरा है. तो ये दो चीजों को लेक्चर नंबर 7 में हम लोग सीखेंगे. विल लर्न दिस टू थिंग्स इन दिस लेक्चर. हम तो लेक्चर नंबर 7 में क्या सीखेंगे कि किस तरह से लोगों के प्रोफेशन या अपना प्रोफेशन किस तरह से बताते हैं, लोगों का प्रोफेशन किस तरह से पूछते हैं कि आप कौन हो, आप क्या हो, क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप इंजीनियर हो. फिर वो सामने वाला आंसर करता है, हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, क्या आपकी बेटी डॉक्टर है, क्या आपकी बेटी एयर हॉस्टेस है, हाँ मेरी बेटी एयर हॉस्टेस है, या मेरी बेटी डॉक्टर है, तो वो कुछ भी नहीं कर रही, समझे? तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाने की हम लोग इस लेक्चर में कोशिश करेंगे. आप समझ में? विल लर्न, विल मेक सेंटेंसेस हाउ टू से द प्रोफेशंस एंड हाउ टू आस्क द प्रोफेशंस, समझे ना? इनके बारे में बात करेंगे. दूसरी चीज, ये सामने जो चीजें रहती हैं, अगर हमको पूछना है कि ये क्या है, यानी ये मोबाइल है, ये क्या है, ये माउस है, वो क्या है, वो राउटर है, तो ये चीज इंग्लिश में सीखना बहुत जरूरी, इसके सेंटेंसेस पर सबसे पहले बनाना बहुत जरूरी. तो ये चीज सीखने के लिए, ये चीज सीखने के लिए हमको दो चीजें समझना बहुत जरूरी, दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी. कौन सी दो चीजें? एक चीज है कि आर्टिकल्स, एन और द. आर्टिकल्स मतलब हम जब बोलते हैं कि ये एक मोबाइल है, ये एक चेयर है, ये एक टेबल है, तो जो एक का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं. या समझे ना, एक खास टेबल है, या हमारे पास एक ही टेबल है, तो ये खास टेबल हो गया, तो इसका इस्तेमाल करेंगे द का. तो आर्टिकल कौन से है? अ, एन और द. और अ, एन और द हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में सीख चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन लेक्चर नंबर 4. ये लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी आज के लेक्चर में इसको और ब्रीफ करके समझने की कोशिश करेंगे. कोई भी सेंटेंस प्रोफेशन का या नाउन का बगैर आर्टिकल यूज किए कंप्लीट नहीं होता. जब कोई भी चीज सिंगुलर हो तो आर्टिकल का यूज होता है ज्यादातर. उसके अलावा और एक चीज हमको सीखनी है कि ये चेयर है, वो एसी है, वो राउटर है, तो ए और वो को वर्ड कौन से यूज करते हैं? तो दो वर्ड यूज होते हैं, दिस दैट, दिस दैट. यहां नजदीक रहेगा उसको क्या बोलेंगे? दिस. और दूर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? दैट. तो एक तरफ तो आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे और दूसरा दिस और दैट का. और एक से ज्यादा रहेंगी चीजें तो दीज बोलेंगे और दैट का दोज हो जाएगा. दीज का दीज होगा और दैट का दोज होगा. उसको एक से ज्यादा जब चीजें रहते हैं तो जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस बना लेंगे, इजीली हमको क्या होगा, समझ में आ जाएंगे. तो आपको अब क्या करना है, कौन से सेंटेंसेस बनाने मेरे साथ, किस तरह से हम अपना प्रोफेशन बताएंगे, हमारा धंधा, हमारा बिजनेस किस तरह से बताएंगे, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, या वो एक आर्किटेक्ट है, तुम एक आर्किटेक्ट हो, तुम एक टीचर हो, तो ये एक चीज. और ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये बुक है, ये सेंटेंसेस आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और लर्न करने की भी कोशिश करेंगे. सबसे पहले सेंटेंसेस बनाने से पहले हमको ये खास ध्यान में रखना है, हम जब भी कोई सेंटेंसेस बोलते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि खास करके बोल रहे हैं कि आम करके बोल रहे हैं, कॉमन करके बोल रहे हैं. जैसे बहुत सारी चेयर्स हैं, अब मैं इरफान को इन सारी चेयर्स में से, या मैं किसी को बोल दूं इस सारी चेयर में से मेरे को एक खास चेयर्स लेके आओ,
तो सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग कैसा बोलते हैं, एक चेयर लेके आओ मिस्टर शादा, जाके एक चेयर लेके आओ परवीन, एक चेयर लेके आओ, कोई चीज नहीं बोलते, एक चेयर मतलब कोई भी चेयर चलेगी, समझे, लेकिन कोई खास चेयर है तो क्या उसको अलग चीज हो जाती है कि वही चेयर लेके आओ। तो इस तरह से आर्टिकल रहता है। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो ध्यान में रखो कि कोई चीज को कॉमन बना के बोलने के लिए इंग्लिश में कौन से आर्टिकल यूज करते हैं, ए और एन, अ और एन का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल करते हैं, अ एन, एन का इस्तेमाल करते। जैसा अभी के समय में लोगों का ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, तो इसको बोलेंगे दिस इज अ मोबाइल, मतलब इसका मतलब ये कोई खास मोबाइल नहीं है, बहुत सारे मोबाइल है, ये भी एक मोबाइल। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, बहुत सारे टीचर तो मैं भी एक टीचर, लेकिन मेरे सामने एक टेबल है, सिर्फ एक ही टेबल है, समझे ना, एक चेयर है। तो मैं अगर बोलूंगा कि आई कीप दिस मोबाइल ऑन द टेबल, ऑन द टेबल बोले, क्योंकि टेबल कितने हैं, सिर्फ एक है, तो खास टेबल हो गया, सबको मालूम है कि मोबाइल में किधर रखने वाला हूँ, यही टेबल पे रखने वाला, तो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, द का यूज करेंगे। तो इसका मतलब वो जो चीज हमको समझ में आ जाती है, जो चीज हमको समझ में आ गई कि किस कौन सी चीज की बात हो रही है, तो उसके आगे कौन सी चीज लगाना चाहिए, द लगाना चाहिए। लेकिन कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई भी चल जाएगा, तो कौन सी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, अ और एन मिला। फिर आगे जाके अ कब इस्तेमाल होता है और एन कब इस्तेमाल होता है, इसका भी यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि कितने सारे प्रोफेशंस की, पहले हम लोग पहले प्रोफेशंस के बारे में बात करते हैं, थोड़े प्रोफेशंस देखते हैं कि कौन कौन से प्रोफेशंस है, थोड़ा हम लोग उसकी लिस्ट देख लेते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन के नाम हमको ऑलरेडी मालूम है, तो थोड़े प्रोफेशंस देख लेते हैं, फिर उनके ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रोफेशंस देखने के लिए सबसे पहले कौन सा प्रोफेशन देखते हैं हम लोग, प्रोफेशंस है, यहाँ सारे कितने हैं, ये प्रोफेशन है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, एक्टर, आर्किटेक्ट, करेक्ट। फिर उसके बाद है आर्टिस्ट, बार्बर, करेक्ट, बिजनेसमैन, करेक्ट। उसके बाद कारपेंटर, कैशियर, कुक, डायरेक्टर, डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर, फार्मर, फायर फाइटर, ज्वेलर, जर्नलिस्ट, जज, लॉयर, मैकेनिक, मेड, मैनेजर, मॉडल, नर्स, पेंटर, पोएट, पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, प्लम्बर, रिसेप्शनिस्ट, सेल्समैन, सेक्रेटरी, स्टूडेंट, सिंगर, टेलर, टीचर, ट्रैवल एजेंट, टाइपिस्ट, वेटर, वेट्रेस, वर्कर एंड राइटर। ये सब प्रोफेशन है, हमको मालूम है ये सारे प्रोफेशन, कभी हम इसको यूज करते, बहुत सारी चीजें हमको मालूम है, बहुत सारी चीजें, बिजनेसमैन हमको मालूम है, अकाउंटेंट हमको मालूम, जैसे आप किताब लिखता है, आर्किटेक्ट जो रूम को या फ्लैट्स को डिजाइन करते हैं, समझे ना, डेकोरेट करते हैं, उनकी डिजाइनिंग करते हैं, उनका लेआउट बनाते हैं प्रॉपरली, उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं, बिल्डिंग के प्लान्स बनाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्किटेक्ट। तो बहुत सारी चीजें, कुक है जो खाना पकाता है, डायरेक्टर है जो कोई जिसको डायरेक्ट करता है, रिसेप्शनिस्ट टेबल पर बैठी हुई रहती है, कोई भी आता है तो उसको रिसीव करती है, स्टूडेंट है, मैनेजर, ऐसे सारे बहुत सारे, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या मालूम है, क्या चीजें मालूम है हमको, बहुत सारे प्रोफेशन हमको मालूम है। अब मैं सेंटेंसेस बनाता हूँ और आप कोशिश करो कि मैं कोर से सेंटेंसेस को सुना, समझ में है, पर भी जस्ट कोर से सेंटेंसेस को सुनो और फिर बाद में मेरे साथ रिपीट करना। जैसे आई एम एन अकाउंटेंट, आई एम एन अकाउंटेंट, अभी तुम कहना मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो कैसा बनेंगे, आई एम एन अकाउंटेंट, कैसा बनेंगे, आई एम एन अकाउंटेंट, बोलो, आई एम एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते करते वोकैबुलरी भी आपकी, प्रोनंसिएशन भी आपके सुधर जाएंगे। आई एम एन अकाउंटेंट, 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 कोशिश करो, ओके। आई एम एन एक्टर,
I am an actor. I am an actor. I am an actor. I am an actor. I am an artist. I am an artist. I am an artist. I am an artist. अब एक काम करते हैं, हम सेंटेंस बनाने से पहले एक बार रिपीट करते हैं सेंटेंसेस को. बोलो अकाउंटेंट. अकाउंटेंट. एक्टर. एक्टर. आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट. आर्टिस्ट. आर्टिस्ट. बार्बर. बार्बर. बिजनेसमैन. बिजनेसमैन. कारपेंटर. कारपेंटर. कैशियर. कैशियर. कुक. कुक. डायरेक्टर. डायरेक्टर. डॉक्टर. डॉक्टर. Electrician. Electrician. Engineer. Engineer. Farmer. Farmer. Firefighter. Firefighter. Jeweler. Jeweler. Journalist. Journalist. Lawyer. Lawyer. Mechanic. Mechanic. Med. Med. Manager. Manager. Model. Model. Nurse. Nurse. Painter. Painter. Poet. Poet. Police officer. Police officer. Politician. Politician. Plumber. Plumber. Receptionist. 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 So try करो दोबारा. Receptionist. 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 Salesman. Salesman. Secretary. Secretary. Student. Student. Singer. Singer. Tailor. Tailor. Teacher. Teacher. Travel agent. Travel agent. Waiter. Waiter. Typist. Typist. Waitress. Waitress. Worker. Worker. Writer. Writer. ये वर्ड की हमको प्रैक्टिस करनी है बोलने की, हमारे मुंह पे वर्ड्स चढ़ना जरूरी है. ओके, जब तक ये वर्ड्स तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे, तब तक ये वर्ड तुम्हारे मुंह पे नहीं आएंगे. यू हैव टू स्पीक दोस वर्ड्स, यू हैव टू से दोस वर्ड. द फर्स्ट प्रैक्टिस शुड बी व्हाट? फर्स्ट प्रैक्टिस क्या होना चाहिए कि हम इस वर्ड को बोले, प्रोनाउंस करें उसको. क्या करें? प्रोनाउंस करें उसको, वर्ड को. तो ये वर्ड हमको प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है. फिर से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, वापस से मेरे साथ प्रैक्टिस करो सेंटेंसेस बना के. आई एम एन अकाउंटेंट. आई एम एन अकाउंटेंट. देखो, आई एम एन अकाउंटेंट. अकाउंटेंट. आई एम एन अकाउंटेंट. अकाउंटेंट. यू आर एन अकाउंटेंट. एन अकाउंटेंट. यू आर एन अकाउंटेंट. यू आर एन अकाउंटेंट. You are an accountant. Accountant. She is an 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 accountant. He is an accountant. He is an accountant. I am an accountant. You are an accountant. An accountant. She is an accountant. Practice karoge? Yes. You have to practice for this. Sentences ki aapko practice karna zaruri. Fir hum chalte wapas dusre word pe. Actor. I am an actor. You are an actor. You are an actor. He is an actor. Abhi आगे चलते. आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट. I am an architect. You are an architect. She is an architect. She is an architect. हम लोग अभी बी के तरफ चलते हैं बार बार. अब उसके लिए एन का यूज नहीं करेंगे. देखो वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? चार वर्ड्स थे. कितने वर्ड्स थे? फोर वर्ड्स थे. आई एम एन एक्टर. कितने वर्ड्स है? चार. आई
एम एन एक्टर बोलना है हमें तो तीसरा वर्ड कौन सा है एन तीसरा वर्ड दूसरा वर्ड एम है आई एम हमेशा मैं तुमको बता दूं पहले बी वर्ब की जोड़ी है आई एम यू आर ही शी इसकी जोड़ी कभी भूलो मत शुड नॉट फॉरगेट दिस इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन नहीं सकेगा अभी जो बी वर्ब के हमने जो प्रैक्टिस करे इसके अलावा दूसरे भी सेंटेंसेस है बट अब जो हम बी वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो तुम्हारी जोड़ी ऑलरेडी तुमको पहले से पता है आई एम यू आर ही शी इज दे आर वी आर ये सारी जोड़ियां आपको ऑलरेडी मालूम उसके बाद क्या लगा रहे हैं उसके बाद सिर्फ दो ही चीज लगा रहे हैं या तो एन लगा रहे हैं या अ लगा रहे हैं या द लगा रहे हैं आर्टिकल में तीन आर्टिकल है एन अ और द इसमें से हम लोग इधर लगा रहे हैं या तो अ लगा रहे हैं या एन लगा रहे हैं प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं कॉमन इनडेफिनेट नाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इनडेफिनेट प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इनडेफिनेट मतलब जो कॉमन जो खास नहीं तो उसके साथ में अ लगेगा या एन लगेगा इसको भी आगे थोड़ा हम लोग देखेंगे क्यों अ लगेगा और क्यों एन लगेगा इसकी हम लोग कोशिश करेंगे लेकिन ध्यान में क्या रखना है आई एम के बाद कोई एक आर्टिकल लगाना है क्या लगाना है कोई एक आर्टिकल तुमको लगाना है करेक्ट या अ लगेगा या एन लगेगा उसके बाद प्रोफेशन बोलना है जैसा अभी बार बार मैंने बोल दिया तो आपने बोला आई एम फिर यहाँ पे बार बार के साथ बी है तो अ लगेगा अभी बिजनेस मैन है बोलो आई एम बिजनेस मैन मैं कारपेंटर बोलूं आई एम अ कारपेंटर आई एम अ कुक डायरेक्टर इलेक्ट्रिशियन अभी ई है तो एन आएगा I am an electrician. Very good. अभी farmer है तो आएगा. F है तो आएगा. I am a farmer. Very good. I am a farmer. Firefighter. I am a firefighter. Very good. वापस jeweler. J है तो jeweler. A लगेगा. I am a jeweler. I am a jeweler. एक कोशिश करो मुंह पे आएगा थोड़ी प्रैक्टिस कर दे जर्नलिस्ट आई एम जर्नलिस्ट जज आई एम जज ओके लॉयर आई एम लॉयर मैकेनिक मेड मैनेजर मॉडल नर्स I am a nurse. Painter. Poet. I am a poet. Police officer. Politician. Plumber. I am a receptionist. Receptionist. I am a salesman. Very good. Secretary. I am a secretary. Secretary. Student. Singer. I am a singer. Tailor. I am a tailor. Teacher. I am a teacher. Travel agent. I am a travel agent. Typist. Waiter. I am a waiter. Waitress. Worker. I am a worker. Writer. समझ में आया? Yes. क्यों प्रैक्टिस अभी जैसा बोलना है वापस चलो हम लोग पहले से वापस होते हैं आई की जगह शी के बारे में बात करते या ही के बारे में बात करते वो अकाउंटेंट है अभी वापस ही से प्रैक्टिस करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद ही ठीक है
रिलैक्स्ड यस हम लोग किससे शुरू करेंगे अभी ही से शुरू करेंगे चलिए बोले ही इज एन अकाउंटेंट अभी अ रहेगा तो एन लगाना ठीक है ही इज एन अकाउंटेंट वेरी गुड एक्टर ही इज ए एक्टर ही इज एन एक्टर ही इज एन एक्टर He is an actor. Very good. He is an actor. Architect. He is an architect. He is an architect. Very good. Artist. He is an artist. He is an artist. Very good. Barber. Aayega naam nahi. And he is a barber. Very good. Businessman. He is a businessman. Very good. Carpenter. He is a carpenter. He is a carpenter. Cashier. He is a cashier. He is a cook. Director. He is a director. Doctor. He is a doctor. Electrician, hand. He is an electrician. He is an electrician. Engineer. He is an engineer. Farmer. He is a farmer. अभी हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा yes. कि क्या तुम अकाउंटेंट हो क्या तुम अकाउंटेंट हो क्या तुम एक्टर हो क्या तुम आर्किटेक्ट हो क्या तुम आर्टिस्ट हो क्या तुम बार्बर हो क्या तुम बिजनेसमैन हो क्या तुम कारपेंटर हो क्या तुम कैशियर हो क्या तुम कुक हो इसका क्वेश्चन करना है और हम लोग क्वेश्चन करने के बाद आंसर भी करेंगे जैसे हम लोग हाँ में आंसर करेंगे कैसे क्वेश्चन करेंगे क्या तुम अकाउंटेंट हो क्या तुम यू आर नहीं क्या था उसका उल्टा करना है आपको आज पहले आएगा यू बाद में आएगा वेरी गुड Are you an accountant? Yes, I am. I am an accountant. An accountant. Yes, I am an accountant. पहले क्वेश्चन करना है तो मुझको क्वेश्चन करोगे क्या क्वेश्चन करोगे क्या आप अकाउंटेंट हो मैं बोलूंगा हाँ मैं बोलूंगा क्या आप अकाउंटेंट हो तो are you an accountant? Yes, I am an accountant. तो मेरे को क्वेश्चन करोगे आप मुझको क्वेश्चन करोगे मैं उसका आंसर करूंगा क्या तुम अकाउंटेंट हो तो आर यू एन अकाउंटेंट मैं आंसर करूंगा यस आई एम एन अकाउंटेंट क्वेश्चन करो आर यू एन अकाउंटेंट वेरी गुड आर यू एन अकाउंटेंट यस आई एम एन अकाउंटेंट क्या तुम एक्टर हो आर यू एन एक्टर यस आई एम एन एक्टर क्वेश्चन करो आर यू एन आर्किटेक्ट Architect. क्या तुम architect हो? Question करो. Are you an architect? Yes, I am an architect. क्या तुम artist हो? Are you an artist? And are you an artist? तुम question करो. Are you an artist? Yes, I am an artist. Correct answer, बराबर? Yes. अभी barber. क्या तुम barber हो? Are you an barber? And कैसा आएगा? नहीं, ये आएगा. ना. Are you a barber? तुम question करो. Are you a barber? दोनों नहीं, एक ही आएगा. आएगा. Are you a barber? बोलो. Are you a barber? Yes. I am a barber. Businessman. Are you a businessman? Yes, I am a businessman. Yes. Carpenter. Are you a carpenter? बराबर था. Are you a carpenter? Yes, I am a carpenter. Yes. Cashier. Are you a cashier? Yes, I am a cashier. Cashier, very good. Cook. Are you a cook? Yes, I am a cook. Irfan, you try fast. तुम भी try करो.
ठीक है, डायरेक्ट कब? Are you director? Are you a director? Are you a director? Yes, I am a director. बोलो. Are you a director? आंसर करो. Yes. Yes, I am director. I am a director. I am a director. Okay. उसके बाद doctor. I am a doctor. You are you a doctor? Yes, I am a doctor. Okay. अभी electrician है तो E है तो N आएगा. Are you an electrician? Are you an electrician? Very good. Yes. Yes. Are you a? Yes, I am. Yes, I am an electrician. I am an electrician. Engineer. Are you an engineer? Are you an engineer? Are you an engineer? Yes. Yes, I am an engineer. Very good. Are you an engineer? Yes. Answer. Yes, I am. Yes, I am engineer. An engineer. I am an engineer. अभी farmer अ लगा के बात करनी है. Are you a farmer? Yes, I am a farmer. आपको समझ में बहुत सारे words हैं. इसको आप note करो. इसका printout आपको मैं दे देता हूँ. प्रिंट आउट देख के इस पर प्रैक्टिस करना है, इस पर खुद क्वेश्चन बनाना, खुद आंसर करना, फिर सामने वाले को क्वेश्चन करना और सामने वाला आपको आंसर कर देगा. और थोड़ा आगे जाके फिर हम लोग क्या कोशिश करेंगे दूसरे चार्ट पे कि वो आर्टिकल कौन से है, कौन से आर्टिकल से उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में सेवन लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करना है कि यही दूसरी चीज करनी है, दूसरी भी कोशिश करनी है कि ये कीबोर्ड है, ये नोटबुक है, ये माउस है, जब हम दिस और दैट का इस्तेमाल करें. लेकिन पहले आज हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं. और फुल प्रैक्टिस आपको प्रोफेशन की करनी है, प्रॉपरली आपको बोलना है. जैसे आपने बोला आर यू के बाद एक और क्वेश्चन आएगा, क्या वो लड़की, क्या वो लड़का, क्या वो लड़की, क्या वो लड़का, मतलब इज ही, इज ही, इज शी, याद है आपको, इज ही, इज शी, इज ही, इज शी. उसके बाद क्या लगाने का है, क्या वो लड़की अकाउंटेंट है, तो इज शी एन अकाउंटेंट. कैसा बोलोगे, क्या वो लड़की एन अकाउंटेंट है, इज शी एन अकाउंटेंट. क्या वो लड़की एक्टर है, एक्ट्रेस है, मैं यहाँ पे क्या वो लड़का एक्टर है, वेरी गुड, इज ही एन एक्टर. क्या वो लड़का आर्किटेक्ट है, क्या वो लड़का आर्किटेक्ट है, इज ही एन आर्किटेक्ट. समझ में आया, क्या वो लड़की आर्टिस्ट है, क्या वो लड़की आर्टिस्ट, इज शी एन आर्टिस्ट. अभी मैं पूछूंगा क्या तुम आर्टिस्ट हो, तुम, यू आर आर्टिस्ट. क्वेश्चन, क्या तुम आर्टिस्ट हो, आर यू एन आर्टिस्ट. वेरी गुड. और क्या वो लड़की आर्टिस्ट है, क्या वो लड़की, इज शी एन आर्टिस्ट. हाँ बोलो, वो लड़की आर्टिस्ट है. यस, हाँ, यस, यस, She is an artist. Yes. थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव का भी. अगर बोलेंगे वो आर्टिस्ट नहीं है तो कैसे बोलेंगे, हमने ना प्रैक्टिस की इसकी. She is not an artist. बोलो. No, she is not. An artist. You have to speak the sentences. You have to practice. Khali, we just not sit and say that the thing will come to us.
हम खाली बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि थिंग विल कम टू अस, सारी चीजें हमको आ जाएगी. वी कैन रिमेम्बर एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग, नो वी हैव टू प्रैक्टिस. तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है. ओके, तो आप भी हमारा लेक्चर में फर्स्ट पार्ट भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. आगे जाके हमको थोड़ा एक्सप्लेनेशन किसका देखना है, आर्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन हमको थोड़ा देखना है. उसके बाद फिर आगे हम लोग दूसरे पार्ट पे चलेंगे जिसमें ये बताने की कोशिश करेंगे, दिस इज अ टेबल, इज दिस अ टेबल, दिस इज अ चेयर, इज दिस अ चेयर, ऐसा क्वेश्चन करेंगे. फिर उसके बाद आगे जाके विल सी मोर से. तो सेवन लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर सेवन, कि हाउ टू से इन पार्ट वन. पार्ट वन व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव लर्न दैट कि हाउ टू से द प्रोफेशन. वंस लास्ट प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं फटाफट फटाफट. खाली आपको वर्ड्स बोलने, क्या करने हैं आपको, सिर्फ वर्ड्स बोलने. अकाउंटेंट, आई एम ए, खाली वर्ड्स बोलो. अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, सिर्फ बोलो. अकाउंटेंट, अकाउंटेंट. एक्टर, एक्टर. आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट. आर्टिस्ट, आर्टिस्ट. बार्बर, बार्बर. बिजनेसमैन, बिजनेसमैन. कारपेंटर, कारपेंटर. कैशियर, कैशियर. कुक, कुक. डायरेक्टर, डायरेक्टर. डॉक्टर, डॉक्टर. इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन. इंजीनियर, इंजीनियर. फार्मर, फार्मर. फायर फाइटर, फायर फाइटर. ज्वेलर, ज्वेलर. जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट. जज, जज. लॉयर, लॉयर. मैकेनिक, मैकेनिक. मेड, मेड. मैनेजर, मैनेजर. मॉडल, मॉडल. नर्स, नर्स. पेंटर, पेंटर. पोएट, पोएट. पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर. पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन. प्लंबर, प्लंबर. रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट. सेल्समैन, सेल्समैन. सेक्रेटरी, सेक्रेटरी. स्टूडेंट, स्टूडेंट. सिंगर, सिंगर. टेलर, टेलर. टीचर, टीचर. ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट. टाइपिस्ट, टाइपिस्ट. वेटर, वेटर. वेट्रेस, वेट्रेस. वर्कर, वर्कर. राइटर, राइटर. समझ में आया? अभी एक और प्रैक्टिस करता हूं विद किसके साथ में, आर्टिकल के साथ. One more practice with article. Proper, ready? Yes. An accountant. An accountant. An accountant. An accountant. An actor. An actor. An actor. An actor. An architect. An architect. An artist. An artist. A barber. A barber. A businessman. A businessman. A businessman. A businessman. A carpenter. A carpenter. A cashier. A cashier. A cashier. A cashier. Cook. Cook. A cook. A cook. A cook. A cook. A director. A director. A director. A director. A doctor. A doctor. A doctor. A doctor. An electrician. A electrician. A, sorry. An electrician. An electrician. An electrician. An electrician. An engineer. An engineer. An engineer. An engineer. A farmer. A farmer. A firefighter. A firefighter. A firefighter. A firefighter. A jeweler. A jeweler. A journalist. A journalist. A judge. A judge. A lawyer. A lawyer. A mechanic. A mechanic. A maid. A maid. A manager. A manager. A model. A model. A nurse. A nurse. A nurse. A nurse. A painter. A painter. A poet. A poet. A politician. A politician. A police officer. A police officer. A police officer. A police officer. A politician. A politician. A plumber. A plumber. A receptionist. A receptionist. A receptionist. A receptionist. A salesman. A salesman. A salesman. A salesman. A secretary. A secretary. A student. A student. A singer. A singer. A tailor. A tailor. A teacher. A teacher. A travel agent, a travel agent. A typist, a typist. A waiter, a waiter. A waitress, a waitress. A worker, a worker. A writer, a writer. समझे? उसके प्रैक्टिस करना जरूरी. तो पार्ट लेक्चर नंबर सेवन का पार्ट नंबर वन हम लोग ने फिनिश किया है थोड़ा. इसमें प्रैक्टिस करना जरूरी है. उसका भी थोड़ा सा पार्ट अभी बचा हुआ है. कौन सा? कि आर्टिकल कैसे, जैसे जो पार्ट हमारा बचा हुआ है आर्टिकल का, वो ये है कि आर्टिकल्स कैसे यूज करते, अ एन और द, अ एन और द कैसे यूज करते, उसके प्रैक्टिस हम लोग करेंगे. ठीक है, विल फिनिश द लेक्चर. कोशिश करेंगे और फिर इस पार्ट को थोड़ा कल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, या थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. ये पार्ट हमारा बचा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है. थोड़ी देरी है बट हम लोग थोड़ा समझेंगे तो प्रैक्टिस से स्लोली स्लोली हमको आ जाएगा. हम जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल पे, थोड़ा आर्टिकल का थोड़ी सी मीनिंग को समझना जरूरी. कि अ क्यों यूज होता है, एन क्यों यूज होता है, और द क्यों यूज होता है, इसको समझना बहुत जरूरी. जैसे आप इसको समझोगे आपको यूज करने के लिए इजी हो जाएगा. कुछ फॉर्मूला, कुछ रूल्स रहते हैं, उसको ध्यान में रखना जरूरी है. तो डेफिनेशन हम लोग समझ लें. ठीक है, विल वेट फॉर सम टाइम, स्टार्ट करें.